अप हो जाएगा। ठीक है, यहां तक अपन बातचीत कर चुके हैं। टेंशन के जीरो वर्क पे थोड़ी डिटेल में बात करेंगे अब, क्योंकि एक तो वो रहता है और फिर इसी आइडिया के ऊपर बेस्ड एक सवाल सॉल्व करेंगे अच्छा सा और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करूं? ओके। तो टेंशन का वर्क यदि वो इंटरनल हो तो जीरो होगा, मैंने ऐसा बोला, राइट? सो लेट्स सी। ए और बी के बीच में फिर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? टेंशन। और बी और सी के बीच में भी टेंशन, लेकिन मेरा सिस्टम क्या है? ए एंड बी इज माय सिस्टम। ठीक है, यदि आप ए पे टेंशन का फोर्स देखें तो इधर लग रहा होगा टी वन, और बी पे देखे टेंशन का फोर्स तो एक टी वन इधर लग रहा होगा, एक टी टू इधर लग रहा होगा। यदि रस्सी को टाइट रहना है तो यदि ये एस आगे बढ़ा ए तो बी को कितना आगे बढ़ना पड़ेगा? एस। कम या ज्यादा बढ़ा तो रस्सी या तो टूट जाएगी या फिर स्लैक हो जाएगी। टेंशन का इस पे वर्क, टेंशन का इस पे वर्क टी वन का माइनस टी वन एस। यदि टेंशन को देखे तो उसका वर्क टोटल कितना आ रहा है? जीरो। टी टू जो कि इस पे एक्सटर्नल है, बी के लिए तो एक्सटर्नल है, क्या वो जीरो वर्क कर रही है क्या? नहीं। लेकिन यदि हम एबीसी को सिस्टम में ले लें तो आप देख सकते हैं टेंशन का वर्क अब इधर भी जीरो, इधर भी जीरो। तो ऐसा नहीं कह रहे हम टेंशन वर्क नहीं कर सकता। ए पे कौन वर्क कर रहा है इस समय? टेंशन। ए पे कौन वर्क कर रहा है? टेंशन कर रही है। नहीं, ए पे वर्क कौन कर रहा है? टेंशन कर रही है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, लेकिन ए प्लस बी पे टेंशन का वर्क जीरो। आगे बढ़ू मैं, इसके और भी उदाहरण हम लोगों ने पढ़े, ओके? ये आपको पढ़ाया जाएगा या आगे जाके, नहीं पढ़ाया तो और बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से भी पढ़ा देते हैं इसको। जैसे ये, इसमें तो आप देखेंगे इसमें भी टेंशन ऊपर लग रही है, इसमें भी टेंशन ऊपर लग रही है, तो अब तो टेंशन का वर्क जीरो नहीं होगा या होगा? अभी भी कैसे होएगा? आप ये ऊपर जाता है तो ये नीचे आ जाता है, ताकि इसका वर्क हो जाए प्लस टी एस और इस पे वर्क हो जाए माइनस टी एस। समझ में आती है क्या मेरी बात? या फिर मैं तो सिंपल ही लूंगा, जी मैं कोई टफ सवाल आते वाते हैं नहीं, गए जमाने लंबे लंबे सवालों के, आप क्यों करते रहते लंबे सवाल, आप जाने। ओके, अब यहां देखे तो इस पे तो टी लग रहा है और सिस्टम में इस पूरे को मान लेते हैं इसके साथ ही, तो इस पे तो टू टी लग रहा है, अब तो टेंशन का वर्क जीरो नहीं आएगा, या भी आ जाएगा? क्यों? क्योंकि यदि आप याद करें तो यदि ये एस नीचे गया है तो ये कितना ऊपर आएगा? टू एस। यदि एस नीचे गया है तो ये कितना ऊपर आया? 2s। याद है निकाला था मैंने इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करके इसको, सारे जितने भी सवाल इसको बोलते कंस्ट्रेंट, कैसे भी सॉल्व किए जा सकते हैं। और इसमें यदि आप ट्रिक देखें तो एक ट्रिक भी है, हालांकि मेरे को सिखाना बहुत गंदा लगता है ट्रिक। ऑलराइट, ट्रिक बेसिकली है टेंशन का वर्क लिख दो, ऑलराइट, और उसको जीरो कर दो, तो बेसिकली आप पाएंगे रस्सियां गिन लो, इसमें यदि दो रस्सी से कॉन्टैक्ट में है ये तो इसका डिस्प्लेसमेंट इससे आधा होगा, ताकि वर्क जीरो आ सके, माइनस का साइन खा गया। नहीं समझ आई बात? अरे इसमें एक रस्सी है तो इसको डबल चलना पड़ेगा इसके मुकाबले, ताकि वर्क दोनों का जुड़ के कैंसिल हो जाए, राइट?
इसको एक वर्चुअल वर्क टेक्निक भी बोलते, कोई टेक्निक वेक्निक कुछ नहीं, फ्रॉड सी बात। नहीं समझ में? इसमें दो रस्सियां लग रही है तो ये इसके मुकाबले आधा चलेगा, ऐसे भी जुगाड़ लगाया जा सकता है। देख रहे ना, ये डबल चल रहा है ना इससे। अबे टू का आधा वन ही तो होता है। गधे हो क्या? सॉरी, यस सर। गधे हो क्या? अर्ली भी यस सर बोल देते कुछ लोग तो। हाँ हाँ, तो नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए टेंशन इज एक्सटर्नल फोर्स। अब टेंशन का वर्क जीरो नहीं आता, यदि टेंशन इंटरनल हो तो पढ़ो। मैंने ये नहीं बोला टेंशन का वर्क जीरो आता है, उसके ऊपर भी कुछ लिखा होगा। इफ आउट ऑफ दीज फाइव दिस 2.5 आर इंटरनल, इफ खा जाओ फिर पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है। आपकी रामायण बिना सीता वाली होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्लियर है? राइट तो कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल आए तो उसको भी ऐसे मैनेज कर सकते हैं आप, यदि कंस्ट्रेंट का सवाल दिखे तो। हालांकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे लंबे लंबे सवाल कराने में, क्योंकि उसका जेई से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है? जैसे उसमें क्या करते हैं ना, बच्चों को परेशान करने के लिए ऐसे बना देते हैं, ये एक ब्लॉक ले लिया, दे मार पुली, एक द तीन चार, और बच्चा देख के घबरा जाए, और ये तो क्या दे दिया। राइट? वो कुछ नहीं, एक मास्टर को ट्रिक आती है, हमने बनाई थी बरसों पहले, अब इसको लोग पढ़ पढ़ के खुश होते रहते पागल टाइप्स। राइट? ऐसा कुछ बना दिया, या इसको दीवार से कनेक्ट कर लेते हैं, इसका एक्सेल इसकी वेलोसिटी यदि वी है, ए है, वी वन है, तो बताओ वी टू क्या होगा, या वी वन दे दिया 10 तो बताओ वी टू क्या होगा। तो इसको आप या तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो या फिर गिन लो 1 2 3 4 5 6। राइट? तो 6 इंटू एस टू माइनस 1 2 3 4 5, 5 इंटू एस वन मस्ट बी 0। कुछ लोग सोच रहे इसके आगे भी कुछ है, खत्म हो गया इतना ही था। चले, कदों को यह भी नहीं समझ में आता कि सवाल का सोल्यूशन कहां खत्म होता है। आधे टाइम तो मैं यही समझाता हूं। सिक्स वी टू इज इक्वल्स टू 5 V1, तो V2 इज इक्वल्स टू 50/6, 25/3 हो गया सॉल्व। नहीं तो अपन कैसे करते पहले इसको L1, L2, L3 फिर डिफ्रेंशिएट करते, फिर एक दिन आंसर आता तो आपको लगेगा वाह सर क्या बढ़िया टेक्निक है। हाँ बहुत अच्छी टेक्निक है, बट जेई के लिए काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी जेई की कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह की नहीं होती कि जो अपन ने दो तरह की चीज सीखी कि इसमें यार दो चीजें हो तो क्या होगा, तो 10 नहीं देते वो डरावना होता है। वो नई चीज देते जो आपने देखी नहीं होगी। समझ मेरी बात? एक होता है 1 से n करके मारना, एक होता है 0 से नया 1 बना के मारना। वो 0 से हर बार नया 1 बनाते, ऐसा सवाल जो आपने देखा ही नहीं होगा। गॉट इट? नहीं आज कंस्टेंट समझ में? सो दिस इज नहीं आ गया। ओके, बढ़ू मैं आगे फिर? नो क्वेश्चंस? ऑलराइट, सो लेट्स ट्राई 1 क्वेश्चन। दिस इज मास 2m, या m ही ले लेते हैं, सेम मास।
ये वेज इस सॉरी ये ब्लॉक इस वेज पे मूव करता हुआ ए से बी आएगा फिसलता हुआ, ठीक है, वेज भी चलेगा, साफ साफ दिख ही रहा होगा कि नहीं दिख रहा है, दोनों का मास सेम है, ऑल कॉन्टेक्ट सर्फेसेज आर स्मूथ। तो जब ये ए से बी पहुंचेगा, रेस्ट पे था अभी, तो वेज की वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ वेज व्हेन ब्लॉक रीचेस पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए।